बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अगस्त 2021 बरोज सोमवार 30 ज़िलहज मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात पर बरबर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है चाइना की वैक्सीन की, बात होने वाली है पाकिस्तान इंडिया से उमरा ज़ायरीन की, इसके अलावा पाकिस्तान की एक बड़ी अहम मीटिंग सऊदी फ्लाइट से मुतल्लिक उस पर बात करेंगे, और भी बहुत सी अहम खबरें हैं फैमिली वालों की इकामा जवाजात की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोरोना से हलाक होने वाले तिब्बी अमले के लवाहकीन को 5 लाख रियाल मुआवजा। सऊदी कैबिनेट के फैसले पर अमल करते हुए कोरोना वायरस से हलाक होने वाले मेडिकल स्टाफ के लवाहकीन को 5 लाख रियाल मुआवजा जो है वो देने का अमल शुरू कर दिया गया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सऊदी कैबिनेट ने इससे पहले फैसला किया था कि मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता वो लोग जिनका ताल्लुक मिलिट्री या सिविल हस्पतालों से है, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की हों, जिनकी वफात कोरोना की वजह से हुई है, उनकी फैमिलीज को 5 लाख रियाल मुआवजा दिया जाएगा। वजारत सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबे ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में काम करने वाले तिब्बी अमले को जो कोरोना से हलाक हुए हैं उन्हें मुआवजा देना हुकूमत की तरफ से उनकी सर्विसेज का एतराफ़ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहरान के वक्त मुल्क कौम की खिदमत करते हुए अपनी जान कुर्बान की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मगफरत फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील से नवाजे। डॉक्टर तौफीक अल रबे ने खादमे हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में जो सेहत की सर्विसेज हैं उसका मियार बुलंद से बुलंद तर करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब में शोबा सेहत से वाबस्ता अमला वबा पर काबू पाने के लिए मुत्तहिद है और रहायशियों को गैर मुल्कियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की कोशिश कर रहा है। ज़ायरीन हरम और कारकुनों में 5,000 छतरियाँ तकसीम कर दी गई। हरमैन शरफैन इंतजामिया ने ज़ायरीन हरम और कारकुनान में 5,000 छतरियाँ तकसीम की हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक छतरियों की तकसीम इंतजामिया की जानब से मेरा तोहफा मेरी छतरी के नाम से एक मंसूबे के तहत अमल में आई है। इसका मकसद नमाजियों में, उमरा करने वालों में और काम करने वालों को सूरज की शदीद तपश से महफूज रखना है। हरमैन इंतजामिया में समाजी खिदमात के शोबे के डायरेक्टर ने बताया कि इंतजामिया तमाम लोगों को अमूमी सेहत और सलामती की ख्वाहिशमंद है। इस नौयत के तमाम मनसूबे मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के अमूर के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुलरहमान बिन अब्दुल अल सुदेस की हदायत पर नाफिज किए जाते हैं। उनका मकसद अल्लाह के घर का रुख करने वालों को बेहतरीन और आला तरीन खिदमत फराहम करना है। नए तालीमी साल से तुलबा की हाजिरी का तरीकाकार क्या होगा? सऊदी वजारत तालीम की तर्जमान इब्तिसाम हसन अल शहरी ने कहा कि जल्द स्कूलों में हाजिरी के तरीकाकार का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा तुलबा को स्कूलों में हाजिरी के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद के बारे में तफसील से आगाह किया जाएगा। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मसाइल और उनसे निमटने के तरीकों को उजागर किया। उन्होंने कहा 12 साल से कम उम्र के वो तालिबे इल्म जो मिडिल स्कूलों में दाखिले करा चुके होंगे उनके तालीमी साल का आगाज ऑनलाइन होगा। उन्होंने कहा कि वो तुलबा जो दरीना या पेचीदा अमराज में मुब्तला होने के बाद वैक्सीन हासिल करने से रोक दिए गए हैं उनके लिए भी ऑनलाइन तालीम का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा सऊदी अरब भर के स्कूलों में मेंटेनेंस का 96% काम मुकम्मल हो चुका है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वजारत तालीम नया तालीमी साल शुरू करने के लिए जो तैयारियाँ कर रही है वो इस हवाले से किस कदर संजीदा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा उनका कहना था कि तर्जमान ने कहा कि वो तुलबा जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके होंगे वो स्कूलों में बाकायदा क्लासों में तालीम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा प्राइमरी स्कूल के तुलबा को मदरसती प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। इब्तिसाम हसन अल शहरी का कहना था वैक्सीन की पाबंदी का बुनियादी मकसद मुल्क भर में 70% बाशिंदों का मुदाफती निज़ाम मजबूत बनाना है। अगर 30 अक्टूबर से पहले 70% तक आबादी वैक्सीन ले चुकी होगी तो ऐसी सूरत में मामूल के इकदाम होंगे। चीनी वैक्सीन के हवाले से एक अहम अपडेट। चीनी वैक्सीन की मंजूरी से मुतल्लिक वजारत सेहत ने अहम जो है वजाहत की है। वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि साइनोफॉर्म और साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की अभी तक सऊदी अरब में मंजूरी नहीं दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जमान अल अब्दलाली ने बताया कि सऊदी अरब फाइजर, ऑस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन 4 वैक्सीन की मंजूरी जो है वैक्सीन की दिए हुए है। तर्जमान का मजीद कहना था इन 4 के अलावा कोई और वैक्सीन अभी तक सऊदी अरब में मंजूर नहीं की गई। साइनोफॉर्म और साइनोवैक का इंदराज अभी तक नहीं हुआ।
वजारत सेहत के तर्जमान का कहना था कोरोना की चारों वैक्सीन महफूज और अहम हैं, खवातीन हमल के हर मरहले में मंजूर शुदा चारों वैक्सीन में से कोई भी लगवा सकती हैं। उन्होंने कहा इसके बरक्स कोरोना वायरस हमला खवातीन के लिए खतरनाक है और उन्हें मुश्किल से दोचार कर सकता है। तर्जमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस अफवाह को गलत करार दिया जिसमें दावा किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन लेने वाले कई बच्चों की मौत वाकई हुई। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली का कहना है इस अफवाह का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की खुराकें अच्छी खासी तादाद में दी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। वैक्सीन की वजह से नाजुक केसेस में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 99% नाजुक केसेस का ताल्लुक उन मरीजों से है जिन्होंने पहली वैक्सीन नहीं ली है। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 21,000 खिलाफ वर्जियां। सऊदी वजारत दाखिला ने बताया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना SOPs की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ सऊदी अरब के 4 इलाकों में रिकॉर्ड पर आई हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPM के मुताबिक वजारत दाखिला ने बताया कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2021 तक कोरोना SOPs की 21,967 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ जो हैं 7,214 रियाज में, अलशरकिया रीजन में 3,022 और मदीना मुनवरा में 2,189 रिकॉर्ड की गई हैं। आपको बताएंगे फैमिली के खरूज नहाई के लिए इकामे की मुद्दत कितनी होनी चाहिए। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वादे हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। एक शख्स ने सवाल किया कि इकामे की मुद्दत में 1 माह बाकी है, बच्चों का खरूज नहाई लगाया जा सकता है या नहीं, इसके लिए क्या फैमिली फ़ीस अदा करना होगी। जवाबात का कहना था कि तारकिन के अहल खाना यानी फैमिली पर जो आयद फ़ीस है अदा करना ज़रूरी है, ताहम फाइनल एग्ज़िट के वक्त इकामा में अगर 2 माह का वक्त बाकी हो तो इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की जाती। अगर खरूज नहाई वीज़े के बाद 60 दिन की मोहलत होती है, इस हिसाब से अगर इकामा की मुद्दत जो है 60 दिन से ज़्यादा हो तो फीस वसूल नहीं की जाएगी। ताहम अगर मुद्दत 30 दिन या उससे कम हो तो बाकी 30 या उससे ज़्यादा दिनों की जो फ़ीस है वो वसूल की जाएगी, जिसके बाद ही खरूज नहाई जो है वो लग सकता है। वादे रहे कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के फैमिली पर साल 2017 से माहाना बुनियाद पर फैमिली टैक्स आयद किया गया है। एक शख्स ने जवाबदार से पूछा है कि अबशर में कारकुन के फैमिली स्टेटस को किस तरह ठीक करें। उसका फैमिली स्टेटस जो उसका जो शादीशुदा का स्टेटस है वो गैर शादीशुदा रहा है, उसको शादीशुदा करना है। जवाबदार का कहना था कानून के मुताबिक कारकुन के स्पॉन्सर या किसी मुकर्रर करदा कानूनी नुमाइंदे के जरिए मंदूब के जरिए कारकुन के अबशर पर स्टेटस दुरुस्त करने के लिए जवाबदार के दफ्तर से अपॉइंटमेंट ली जाए, जिसके बाद मुकर्रर फॉर्म भरकर दफ्तर से रजू करें। वाज़े रहे कि जवाबदात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा और दीगर मामलों की अंजामदही के लिए जो आपका कफील या उसके मुकर्रर करदा जो नुमाइंदा जिसको हम मंदूब कहते हैं उसको ही इजाज़त होती है कि वह जवाबदात के दफ्तर से रुजू करे। गैर मुल्की कारकुन अपने जो मामले हैं उसके अंजामदही के लिए जवाबदात के दफ्तर से रजू नहीं कर सकता, अलबत्ता अपनी फैमिली के जो मैटर्स हैं उसके लिए बराह रास्त जवाबदात से रजू कर सकते हैं। पाकिस्तानी उमरा ऑपरेटर सर्विसेज दोबारा शुरू करने के लिए पुरअमीद। पाकिस्तानी उमरा ऑपरेटर्स ने कहा कि वो अपने ऑपरेशंस को दोबारा शुरू करने के लिए सऊदी अरब की इजाज़त के मुंतजर हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी उमरा ऑपरेटर्स का यह बयान इतवार को सऊदी अरब के एक नए ऐलान के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि उन गैर मुल्की ज़ायरीन को उमरे की इजाज़त दी जा रही है जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीन लगवा ली है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस और उसके नए वेरियंट्स को फैलाने से रोकने के लिए 13 मुल्कों पर सफरी पाबंदियाँ आयद करते हुए उन्हें रेड लिस्ट में शामिल कर दिया था। उन ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, मिस्र, एथोपिया, इंडोनेशिया, लेबनान, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब की वजारत बराए हज और उमरा ने कहा था कि वह 9 अगस्त से उन गैर मुल्की ज़ायरीन की उमरा की दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, उनका ताल्लुक रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से नहीं है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 1 महीने में 60,000 ज़ायरीन को इजाज़त दी जाएगी और फिर से मरहलावार 20 लाख ज़ायरीन तक बढ़ा दिया जाएगा। हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अफान जिशान ने जो है वो अरब न्यूज से बात करते हुए बताया कि हम अपने ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने के लिए सऊदी हुकाम की जानब से आगे बढ़ने के इशारे के मुंतजर हैं। पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स की मरकजी कमेटी बराए हज और उमरा सर्विसेज के कन्वेयर मोहम्मद शफीक ने बताया कि उमरा की बहाली का फैसला पाकिस्तान की टूर और ट्रेवल इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत हौसला अफजा है। उन्होंने कहा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इस मामले को उठाए और मुल्क को रेड लिस्ट से बाहर निकलवाए ताकि मुकदस मकाम की जियारत का शौक रखने वाले पाकिस्तानी सऊदी अरब के नए एकदम से फायदा उठा सके। ख्याल रहे कोरोना वबा से पहले पाकिस्तानी हज और उमरा ऑपरेटर सालाना 20 लाख उमरा ज़ायरीन को सफर की सहूलियात फराहम करते थे जिनमें से उमरा करने वाले 18 लाख ज़ायरीन होते थे।
IATA एजेंसी प्रोग्राम के चेयरमैन ने बताया कि कोरोना वबा की वजह से सफरी खिदमात फराहम करने वालों के कारोबार में तकरीबन 80% नुकसान हुआ है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ने बताया कि ट्रैवल इंडस्ट्री और एयरलाइन आपस में अटैच होती हैं और अपनी मजमूयत जो उनकी सलाहियत है उसका सिर्फ 10% यूज़ कर रही हैं। उनका कहना था कि हज और उमरा ऑपरेटर्स परेशान हालत की वजह से दूसरे कारोबारों की जानब मुंतकिल हो रहे हैं। सफर उमरा की इजाज़त जो है इस शोबे को एक नई जिंदगी की जानब लेकर जाएगी। अदल अल जबीर की पाकिस्तान के सफीर बिलाल अकबर से एक अहम मीटिंग। सऊदी वजीर मुमलकत ब्राय उमूर खारजा और रुकन काबीना आदिल अल जबीर से इतवार को सऊदी अरब में पाकिस्तान के तैनात सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान बरादरना मुल्कों के दो तरफा जो ताल्लुकात का जायजा लिया है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिशों में है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट का सिलसिला जल्द से जल्द बहाल हो जाए। पहले वजीर खारजा जो पाकिस्तान का दौरा किया उन्होंने जो है स्पेशल एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने फ्लाइट का स्पेशल जिक्र किया। अब पाकिस्तान के जो वजीर जो रिटायर्ड बिलाल अकबर हैं उन्होंने भी जो है एक अहम बैठक की है इस मामले में और अभी बहुत उम्मीद हो चली है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट का सिलसिला बहाल हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया भी भरपूर कोशिश कर रहा है एयर बबल के लिए जो इंडिया से सऊदी अरब के लिए, उसमें भी बहुत उम्मीद है और सऊदी अरब के जो कोरोना के केसेस हैं उसमें नुमाया कमी के बाद ये उम्मीद हो चली है कि इंशाल्लाह जो फ्लाइट्स की बहाली का सिलसिला है वो बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि कोरोना के जो केसेज हैं आपको उसके बारे में बताते हैं कि कोरोना के केसेज फिर एक दफ़ा जो है सिर्फ 731 सामने आए हैं। सऊदी अरब में इतवार 8 अगस्त को कोरोना के 1000 से कम नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 3 दिन से मुसलसल नए केसेस कम हो रहे हैं। इतवार को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से मजीद बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 731 नए मरीज सामने आए जबकि 620 अफराद सेहत याब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 14 मरीज चल बसे जिसके बाद मरने वालों की मजमू तादाद बढ़कर 8334 हो गई है। एक्टिव केसेज 10200 हो गए हैं जिनमें से 1405 मरीजों की जो हालत है वो नाजुक है जिनको ICU में रखा गया है। आपको बताएंगे बरून मुल्क से उमरा दायरीन की आमद का आगाज 1 मुहर्रम से। वजारत हज और उमरा ने कहा कि नया उमरा सीजन 1 मुहर्रम से शुरू होगा जिसमें शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के अलावा बरून मुल्क से उमरा दायरीन की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा मुख्तलिफ ममालिक से महलावार उमरा दायरीन को वीजे जारी किए जाएंगे। आपको बताएंगे वली अहद ऊंट मेला ताइफ में शुरू। सऊदी अरब की ऊंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम तीसरा क्राउन प्रिंस ऊंट फेस्टिवल जो है इतवार को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में ताइफ गवर्नरी में शुरू हो गया। अल अरबिया के मुताबिक माली इनामात मखसूस किए गए हैं जो खेलों की दौड़ में सबसे ज़्यादा इनामात शुमार किए जाते हैं। इनकी कुल मालियत 53 मिलियन रियाल है। आपको बताएंगे सऊदी अरामको का मुनाफा 2018 के बाद पहली मरतबा बढ़कर 95.47 जो सऊदी रियाल यानी कि 25.46 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बहाली की जानब गामजन आलमी मशीद की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ जिसकी वजह से सऊदी अरब ने खाम तेल का जो है उसकी पैदावार में भी इजाफा किया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मजीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।